बजने चाहिए कि संख्या का अनुभव और आभास न हो। तालियां तो जोर से बज सकती है। मंजा सी हमारे परम आदरणीय और मार्गदर्शी समस्त अभियंता गणों और हमारे मार्गदर्शी महानुभावों सभागार में उपस्थित समस्त हो जाएगी वही कार्यकारिणी काम करेगी। ये समय पे आप लोगों का आपस में सहयोग करना चाहिए था कि अपने दोस्तों को अपने साथियों को बुलाते और आज यहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग आते और उन्हें पार्टिसिपेट करते। हम कार्यकारिणी के अध्यक्ष रहे हैं, हमें बड़ा उससे कहना पड़ रहा है कि इतना जर्जर अवस्था में हमारा सहायक हो गया है कि उसको पुताने वाला कोई नहीं था। हमने अपने पैसे देकर उसको पुतवाया है, मतलब घुसने में आप बता रही थी। आप लोग कभी शायद अपने कार्यालय अपने घर में कभी जाते ही नहीं है कि कहाँ है हमारा कार्यालय, और जो भी है जर्जर है जैसा भी है हमारा घर है, हमें अपने घर में जाना चाहिए और उस व्यवस्था को देना चाहिए। कर्मचारियों को दो दो साल से वेतन नहीं मिल पा रहा है, आप लोग सहयोग नहीं करते। कोर्ट में जो है लाखों रूपये यहाँ से वहां जो किया जा रहा है और जो है सदस्यता के लिए नाम पे नहीं कर रहे हैं। आज पूरे पूरे नए सदस्य सदस्य हैं और यहाँ पे प्रेशर प्राप्त कर रहे हैं, यही लखनऊ में है। अभी पूरी कार्य पूरी सेवा जो है विभाग में करना है, लेकिन एक सदस्य यहाँ नहीं आ पाया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हीं में से कोई आदमी वहां से तो चुना जा सकता था, क्योंकि उनको पूरा जीवन निर्वाह करना है। जो जर्जर अवस्था हो गई है, जो विभाग में परंपराएं गड़बड़ा गई है, उन सबको ठीक करने में हमें आगे आना है, क्योंकि हमें पूरे सेवा काल व्यतीत करना है। कुछ लोग तो क्या है सोच रहे हैं कि हमें क्या है जा रहे हैं एक छह महीने किसी प्रकार कट जाए, लेकिन उनका क्या हुआ जिनको अपना पूरे अभी संघर्ष करके पूरा समय निकाल रहे हैं। आज जो स्थिति खराब है, सारा जेई संबंध सारे जो है एक्शन सारे ऐसी चीज इतना दबाव उल्टा सीधा राजनीतिक पढ़ के जो है पता लगा रात को रातों रात स्टीमेट बन के आना है, रातों रात बन के आना है और बाद में पकड़ा जाता है यही के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, साहब जो है इतने लंबाई गलत लिख दिया है उसको पढ़ के जिला दीजिए। तो आप अगर हम अपने संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे, आपस में जो है भाईचारा नहीं पैदा करेंगे, ये कोर्ट केस चलते रहते हैं, कोर्ट केस भाई भाई में चलता है। कोर्ट केस जो है मतलब ये थोड़ी है कि हम आपस में इतने विरोध हो जाएंगे कि हम साथ जो हमारी स्थिति इतने बड़े कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमारे घर का सामूहिक कैसा इतना बड़ा कार्यक्रम था, हमें इसमें सबको आना चाहिए। इन्हीं के साथ हम इसका बाइकआउट करते हैं, हम नहीं आए हैं साहब तो हमारे कारण से कार्यक्रम को रोक दिया जाए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ऐसी बात करना। तो जितने लोग आए हैं इतने लोगों में ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि ये आज अगर नहीं हुआ तो कल से शायद फिर एक प्रॉब्लम कोरोना की आने वाली है और फिर छह महीने आठ महीने बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो विधानसभा के चुनाव तक टालने की बात आ रही है। तो ये फिर जो है छह महीने में और ज्यादा हालत हो जाएगी, तो नई कार्यकारिणी आएगी, नए विस्तार से काम करेगी, जो परेशानियां हैं जो जो प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए काम करेंगे। हम सब संपल देंगे और हम देखेंगे कैसे प्रमोशन नहीं होते, लेकिन हाँ एक आगे तो हमारी कार्यकारिणी को ही रहना पड़ेगा। तो आप नई कार्यकारिणी गठन हेतु मतलब पूरी अपने तन्मयता से आप लोग आइए, अच्छे कैंडिडेट को चुनने का प्रयास करिए, ऐसी कार्यकारिणी चुनिए जो बिल्कुल उत्साह से ईमानदारी से और अपना समय देके कार्यकारिणी को अपना पैसा लगा के भी कार्यकारिणी को मजबूत कराने में कार्य करे और संगठन को मजबूत बनाए। संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, 1976 में ये महसूस किया गया था कि सहकर्मिताओं का संगठन अलग से बनाया जाए, क्योंकि सहकर्मिताओं लोगों की समस्याएं थी जिनका निराकरण उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन नहीं कर पाता था। तो लोगों ने अथक प्रयास करके इस संगठन को के लिए मान्यता के लिए प्रयास किया और संगठन जो है बना। संगठन बनने के बाद लगातार नए कार्यकारियों के गठन समय समय पर होते गए, महाधिवेशन हुए, आज ये 18वां अधिवेशन जो है होने जा रहा है हो रहा है और उसमें आज 25 दिसंबर छुट्टी का दिन होने के कारण से कुछ हमारे साथी कम यहाँ पे उपस्थित हो पाए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं पूरे मनोयोग से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो लोग नई कार्यकारिणी के गठन करने जा रहे हैं। तो हमारी जो नई कार्यकारिणी है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष प्रचार सचिव संपादक सांस्कृतिक सचिव संयुक्त सचिव विद्युत यांत्रिक संयुक्त सचिव महिला इतने पदों का नामांकन मांगे गए हैं। बहुत शीघ्र ही जो है 3:30 बजे हमारी नामांकन की प्रक्रिया खत्म करके उसको उन नामांकनों पर विचार करके और फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो जो है चुनाव कराया जाएगा और नई कार्यकारिणी आज बनने जा रही है। ये चुनाव कितने वर्षों बाद हो रहा, ये 4 साल इसमें समय लग गया,
कोविड के कारण से एकदम जो है तैयारी हो गई थी चुनाव कराने की, लेकिन अचानक जो है ऐसे आदेश आ गए। माननीय राज्यपाल महोदय इसके जो मुख्य अतिथि थे, पूरी स्मारिका छप गई थी और कार्यक्रम होने ही जा रहा था कि अचानक जो है उसमें जो है रोक आ गई। उस कारण से कार्यक्रम संपन्न समय पर नहीं हो पाया था और उस कारण से भारी रुकावटें आई हैं और अब उन रुकावटों का समय खत्म हो गया। लंबी समस्याएं भी होंगी। इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय? इसके अध्यक्ष हमारे निगम जी थे, देवेंद्र निगम जी जो है हमारे बगल में बैठे हुए हैं। निगम जी ने बखूबी संगठन को चलाया है और ये इस दौरान उन्नत हो गए थे, बनारस चले गए थे। क्या वजह, क्या इतना समय क्यों लग गया चुनाव कराने में? कोविड 19 के कारण से तो समस्या जो है और कार्यकर्ताओं की संख्या कम है और ऐसे में इसको जो है कराने एक जटिल काम हो गया था। अब एनी हाउ आज संपन्न हो रहा है और नई कार्यकारिणी जो बन के आएगी तैयार करेगी। कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी समस्याएं हैं, 200-300 पद जो है खाली पड़े हुए हैं और वो जो है नहीं भर पा रहे हैं। साथी अनुष्ठाओं के पास में 2-3 चार्ज हैं, ऐसे में विभाग में कार्य प्रणाली बहुत दूषित हो रही है। सहायक अधिकारी सुमिशन लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अष्टदशम अधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी में अपना पद पर निर्वाचित किया गया या की गई हूँ। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि सहायक अभियंता सुदर्शन लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के रूप में एसोसिएशन के संविधान में वर्णित दायित्वों एवं कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा के साथ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पदनाम सहायक अभियंता एसोसिएशन के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं पूर्ण निष्ठा रखूंगा। मैं पदनाम सहायक अभियंता एसोसिएशन के पदनाम के रूप में यथावांछित गोपनीयता बनाए रखूंगा तथा बिना किसी भय पक्षपात राग या द्वेष के अपने कर्तव्यों का सम्यक पूर्ण से पालन करूंगा। धन्यवाद।